आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट इंडक्शन तो आप आ चुके हैं बिल्कुल सही वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा पहला उद्देश्य है आपको सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना और आपकी शॉपिंग को इजी बनाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ उषा इंडक्शन कुकटॉप की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और साथ ही मैं आपको बताऊँगी इंडक्शन कुकटॉप को यूज़ कैसे करते हैं, इसमें आप क्या क्या कुक कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग। इसलिए डिटेल में इस इंडक्शन कुकटॉप के बारे में जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है उषा का इंडक्शन कुकटॉप। ये 1600 वॉट का है। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, प्लस इसमें आपको फ्री होम सर्विस भी मिलती है। मतलब अगर इसमें 1 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसके कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे, वे आपके घर आकर इसको ठीक करके देंगे। और इसमें आपको मिलेगा ऑटो स्विच टू पावर सेविंग मोड टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग। मतलब अगर ये कुकटॉप ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसमें ओवरहीटिंग होने लगती है, तो ये ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड पे चला जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। और मिलती है पैन सेंसर टेक्नोलॉजी, जो सभी इंडक्शन कुकटॉप में मिलती है। मतलब जब तक इसमें आप कोई भी बर्तन नहीं रखेंगे तब तक ये गर्म नहीं होता है, बर्तन रखने के बाद ही ये गर्म होगा। और मिला है 5 प्रीसेट मेन्यूज विद एडिशनल मैनुअल कंट्रोल। मतलब इसमें आपको 5 मेन्यूज मिले हैं जो पहले से सेट हैं, और मैनुअल कंट्रोल भी मिला है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा है IC3616। पावर है 1600 वॉट और इसका वेट अराउंड 2 kg है, और डायमेंशन है इसका 35.5 cm × 27 cm × 6.5 cm। मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट है इसका मार्च 2021, और यहाँ पर इसकी MRP मेंशन की गई है जो है 3890 rupees। पर अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हैं Amazon या Flipkart से तो आपको ये अराउंड 2000 मिल जाएगा, या फिर आप इसे किसी सेल में लेंगे तो आपको इसमें और भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट अंदर से कैसा है। तो ये देखिए, पैकेजिंग इसकी काफी अच्छी है। और इसके साथ मिला है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स, कंट्रोल पैनल, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। तो एक बार आप इस कुकटॉप को यूज़ करने के पहले इसे केयरफुली रीड कर लें। और लास्ट में है ये वारंटी कार्ड, तो इसे आप 1 साल तक बिल्कुल सुरक्षित संभाल के रखिए, क्योंकि अगर आपका ये वारंटी कार्ड गुम हो जाता है तो कंपनी आपकी वारंटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मैं आपको इसके फंक्शंस बताती हूँ। जैसा कि इसके बॉक्स में मेंशन किया गया है कि इसमें 5 प्रीसेट मेन्यू मिले हैं, मिल्क एंड टी के लिए, डीप फ्राई के लिए, इडली के लिए, करी के लिए, डोसा रोटी के लिए। और इनमें से आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेट हो जाएगा। और मिला है आपको ये मैनुअल कंट्रोल, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस प्लस या माइनस की बटन से। और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ पर देखिए ये टाइमर की बटन है, आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। और ये है पॉज बटन, अगर आप इसमें कोई चीज़ बना रहे हैं और उसे थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं तो इस पॉज बटन से आप उसे रोक सकते हैं। अभी एक बार इसे यूज़ करके भी मैं आपको बताऊँगी। और इसके बैक साइड में देखिए, आपको ये दिख रहा होगा एक अंदर फैन लगा हुआ है, जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये फैन चलता है और इसी से ये ओवरहीट नहीं होता है। और साथ ही साथ इसके साइड में वेंट भी प्रोवाइड किए गए हैं जो इसकी गर्म हवा को बाहर निकालते हैं, इसी से इसमें कोई भी खतरा नहीं है। और टेम्परेचर कंट्रोल के कारण ही आप इसमें हेल्दी और सेफ कुकिंग कर सकते हैं, और ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। और इसमें आप एक चीज़ देखिए कि जो ये वारंटी कार्ड है इसमें एक सीरियल नंबर लिखा है, और वही सीरियल नंबर इस कुकटॉप के बैक में भी लिखा है,
ये दोनों सीरियल नंबर सेम हैं और इसी सीरियल नंबर से कंपनी अपने प्रोडक्ट को पहचानती है, इसलिए आप इस वारंटी कार्ड को एक साल तक सुरक्षित रखिए। चलिए इसमें जो स्टिकर लगा है उसे निकालते हैं और मैं आपको इसे यूज़ करके बताती हूँ। अब मैं इसके स्विच को ऑन करूँगी और ये देखिए ये ऑन हो गया है और इस ऑन ऑफ की बटन से आपको इसे ऑन करना है। तो ये देखिए ये ऑन हो गया है और ऑन होने के बाद इसमें से बीप बीप की आवाज़ आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पेन सेंसर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो जब तक आप इसमें कोई बर्तन नहीं रखेंगे तब तक ये बीप बीप की आवाज़ आती रहेगी और ये गर्म भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें मैं जैसे ही बर्तन रखूँगी वैसे ही ये बीप बीप की आवाज़ बंद हो जाएगी और ये वर्क करने लगेगा। ये देखिए बीप बीप की आवाज़ बंद हो गई और ये गर्म होने लगा। अब ये देखिए मैंने इस पर दूध गर्म होने के लिए रखा है और अब हम इसे ऑन करते हैं। दूध गर्म करने के लिए आप मिल्क और टी वाली बटन दबाएंगे और ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेट हो जाएगा कि दूध को गर्म करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए है। और अगर आप मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और प्लस और माइनस की बटन से आप टेम्परेचर डिक्रीज़ और इनक्रीज़ कर सकते हैं। और इसकी बहुत ही ख़ास बात है कि इसमें आपको कहीं भी करंट नहीं लगेगा। देखिए ये ऑन है और अभी मैं इसके चारों तरफ अपना हाथ रख रही हूँ तो ये गर्म भी नहीं है और ना ही मुझे करंट लग रहा है, इसलिए इसमें कुकिंग करना बहुत ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि ना तो इस इंडक्शन में करंट आता है और ना ही इसमें रखे किसी भी बर्तन पे करंट आता है, तो आप इसमें बिना किसी टेंशन के कुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट जाएंगे इंडक्शन के बर्तन खरीदने तो आपको कुछ इस तरह के बर्तन मिलेंगे जिसमें पीछे ये प्लेट लगी हुई होती है और इनकी कॉस्ट भी नॉर्मल बर्तनों से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। आपको इसमें कुकर, पैन, सॉस पैन, तवा, कढ़ाई, गंजी, हर तरह के बर्तन मिल जाएंगे जिसका बेस इंडक्शन होता है। ये सारे बर्तन इंडक्शन पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसके अलावा आप और कौन से बर्तन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें स्टील के सभी बर्तन यूज़ कर सकते हैं और स्टील के बर्तनों का बेस फ्लैट हो तो और भी अच्छी बात है। और स्टील के साथ आप आयरन के भी बर्तन इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास आयरन के बर्तन हैं आप इसमें ईजिली यूज़ कर पाएंगे, जैसे कढ़ाई है, तवा है। मेरे पास आयरन की कढ़ाई और तवा है, मैं आपको इसमें यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ये कढ़ाई मेरी खाना बनाने वाली कढ़ाई नहीं है, इसमें मैं मेहंदी भिगाती हूँ बालों में लगाने के लिए, इसी के कारण इसका कलर ऐसा हो गया है। पर फिलहाल में मेरे पास कोई बर्तन नहीं था आयरन का आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो ये देखिए इसमें कढ़ाई गर्म हो रही है और इसी तरीके से आप तवे को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसमें क्या क्या कुक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इंडक्शन में सब कुछ कुक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें कुक करके भी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने रखा है तवा और इसमें मैं आपको रोटी बनाकर दिखाऊंगी। और रोटी हमें तवे पर ही सेकनी है तो इसके लिए हमें एक कपड़ा लगेगा। आप एक कॉटन का कपड़ा ले लें क्योंकि रोटी को फुलाने के लिए हमें कॉटन का कपड़ा लगेगा। रोटी बनाने के लिए मैंने मैनुअल मोड यूज़ किया है, आप चाहें तो दोसा रोटी वाला बटन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े से दबाते हुए रोटी को सेकना है। ये देखिए कितनी बढ़िया और आसानी से रोटी बन रही है। आप चाहें तो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखकर गर्मा गर्म रोटी अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अब पराठा डाल दिया है और ऑयल लगाकर आप पराठे को अच्छी तरीके से सेक लें। फ्रेंड्स, इसमें रोटी और पराठा वैसा ही बनता है जैसा गैस में बनता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। ये देखिए पराठा कितनी जल्दी बनकर तैयार हो रहा है। रोटी और पराठे के अलावा आप इसमें पूरियां भी बना सकते हैं। पूरियां बनाने के लिए आप तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म होने दें, उसके बाद गर्मा गर्म पूरियां बनाकर सर्व करें। चलिए अब मैं आपको इसमें सब्जी बनाकर दिखाती हूँ। सब्जी बनाने के लिए आप करी वाला बटन यूज़ करेंगे। जैसे ही आप करी वाला बटन दबाएंगे इसमें टेम्परेचर सब्जी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा
और आप चाहें तो इस प्लस की बटन से टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं और माइनस की बटन से टेम्परेचर घटा भी सकते हैं। और इंडक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि किचन में यदि आपको गर्मी लग रही है या फिर आप अकेले में खाना बना रहे हैं और बोर हो रहे हैं तो आप इसका प्लग कहीं भी लगाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। किचन के अलावा घर के किसी भी रूम में, चाहे वो आपका बेडरूम हो, डाइनिंग रूम हो या फिर टीवी रूम हो, कहीं पर भी बैठकर आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं। टीवी देखते हुए भी आप अपना खाना बना सकते हैं। और अगर आपके रूम में फ़ैन चल रहा है तो भी इसमें कुकिंग होती रहेगी और इसकी हीट बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इंडक्शन को यूज़ करते समय आप इसके सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। जब भी आप इंडक्शन ऑन करें तो एक बार चेक कर लें कि इंडक्शन के नीचे पानी तो नहीं है, वरना फ़ैन सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेगा और हमारा इंडक्शन जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसे हमेशा फ्लैट सरफेस में रखें, इसके नीचे कोई कपड़ा या पेपर ना हो, और नीचे का जो सरफेस है वो मेटल या आयरन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इसका बैक साइड गर्म हो सकता है और काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप इसे किचन में यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि गैस स्टोव से इसे दूर रखें और अपने इंडक्शन को प्रॉपर स्पेस दें ताकि एयर वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, बातों ही बातों में सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है और सब्जी को बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। ऐसे ही आप इसमें आसानी से बहुत ही कम समय में दाल भी बना सकते हैं और चावल भी बना सकते हैं। अब बात आती है क्लीनिंग की। इसे क्लीन करना भी बहुत ही ईजी है। जब आपकी कुकिंग कंप्लीट हो जाए और ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसे कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। और इसके पीछे जो फ़ैन लगा है उसे भी टाइम टाइम पर क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार इसमें भी धूल और चिकनाई जमा होती रहती है। इसे साफ़ करने के लिए आप एक सूखा ब्रश या टूथब्रश लेकर इस तरह से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे इंडक्शन कुकटॉप अवेलेबल हैं, पर उषा इंडक्शन कुकटॉप का रिव्यू मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस कुकटॉप को, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा पुराना इंडक्शन कुकटॉप है और इसे लगभग मैं 4 से 5 सालों से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और इसी में मेरा 90% काम होता है। मैं डेली इसी में खाना बनाती हूँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और बहुत बार इसमें लिक्विड गिर जाता है, चाय गिर जाती है या फिर दूध भी गिर जाता है, पर अभी तक ये प्रॉपर वर्क कर रहा है और इसमें अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिली है, इसलिए मैंने ये दूसरा वाला इंडक्शन कुकटॉप भी उषा का ही ऑर्डर किया था। अगर आपके इंडक्शन कुकटॉप में भी कभी कोई लिक्विड गिर जाता है, दूध गिर जाता है या चाय गिर जाती है, तो आप हमेशा उसे एक सूखे कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और उसे उसी टाइम ऑन ना करें। अगर आप उसे उसी टाइम ऑन करेंगे तो इंडक्शन के अंदर की जो भी वायरिंग है वो जल सकती है और आपका इंडक्शन ख़राब हो सकता है, इसलिए आप उसके अंदर का जो पानी है या नमी है उसके सूखने का वेट करें, या आप चाहें तो उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें और जब वो पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही आप उसे दोबारा ऑन करें। अगर आप इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका इंडक्शन कुकटॉप सालों साल आपका साथ देगा और ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इस वीडियो में मैंने उषा इंडक्शन कुकटॉप के बारे में डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और भी ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन पे ऑल का बटन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।